जी हाँ दोस्तों, वैसे तो सिद्धार्थ को इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन शहनाज आज तक शमशान घाट की उस घटना को अभी तक भुला नहीं पाई है। उस घटना ने उनकी रातों की नींदें और दिन का सुकून छीन लिया था। आज भी शहनाज उस घटना को याद करके सहम जाती है और रोने लगती है। घटना उस समय की है दोस्तों, जब शमशान घाट में पूरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लोग और सिद्धार्थ के परिजन और मित्रगण सिद्धार्थ की डेड बॉडी के अस्पताल से आने की वेट कर रहे थे। सिद्धार्थ की डेड बॉडी हॉस्पिटल से शमशान घाट के लिए चल पड़ी थी। जैसे ही एम्बुलेंस ने शमशान घाट में एंट्री की दोस्तों, तो शहनाज गिल जोर से सिद्धार्थ सिद्धार्थ चिल्लाते चिल्लाते एम्बुलेंस की ओर दौड़ी और जाते ही सिद्धार्थ के पैरों में गिर पड़ी और रोते रोते सिद्धार्थ के पैरों के तलवों को जोर जोर से रगड़ने लगी और साथ ही साथ ये कहती जा रही थी कि कुछ नहीं हुआ है सिद्धार्थ को, देखना अभी होश आ जाएगा सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। शहनाज को ऐसी हालत में देखकर शमशान घाट में मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। शहनाज के बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे और उनके कपड़े भी अस्त व्यस्त हालत में थे। किसी ने भी शहनाज को इससे पहले ऐसी हालत में नहीं देखा था। शहनाज जोर जोर से सिद्धार्थ के पैरों के तलवों को रगड़े जा रही थी और शहनाज के भाई शहबाज शहनाज को संभालने की असफल कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, जिसने भी वहां शहनाज को शमशान घाट में ऐसी हालत में देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उस दिन से पहले तक शहनाज गिल की छवि एक चुलबुली हंसमुख और मासूम लड़की की थी, लेकिन सिद्धार्थ के जाने के दुख ने शहनाज को अंदर से तोड़ कर रख दिया था और उन्हें किसी भी बात का होश नहीं था दोस्तों। वो तो बस बेइंतहा रोई जा रही थी और सिद्धार्थ सिद्धार्थ पुकारे जा रही थी। वहां मौजूद सिद्धार्थ के रिश्तेदारों और मित्रों ने शहनाज को संभालने की और समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शहनाज की जिद के आगे सब कुछ व्यर्थ था। उस वक्त उस दिन पूरे संसार में दोस्तों शहनाज से दुखी इंसान कोई नहीं था, क्योंकि शहनाज की जिंदगी से वो शख्स चला गया जो शहनाज को सबसे ज्यादा अजीज था, शायद खुद से भी ज्यादा। दोस्तों, उसने सिद्धार्थ को और खुद को लेकर बड़े बड़े सपने देखे थे, बड़े बड़े सपने संजोए थे। अब जब उन सपनों को पूरा करने का समय आया था तो सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं था। इस खबर को पचा पाना या विश्वास कर पाना अत्यंत कठिन था। जिस दिन सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने की खबर न्यूज चैनल्स पर आई तो हर शख्स हैरान था कि इतना फिट इंसान अगर इस दुनिया को छोड़कर इस तरह से जा सकता है तो इस संसार में कुछ भी पॉसिबल है। दोस्तों, शमशान में मौजूद हर शख्स की आंखें उस दिन नम थी और शहनाज गिल को ऐसी हालत में देखकर तो शमशान घाट में मौजूद हर इंसान का दिल पसीज गया। उस दिन हर इंसान की ये इच्छा थी कि काश ये सिद्धार्थ के दुनिया से चले जाने की खबर झूठ निकले और सिद्धार्थ जिंदा निकले, लेकिन होनी बहुत बलवान होती है दोस्तों और ये होकर रहती ही है। आखिरकार सिद्धार्थ शुक्ला अपने शहनाज गिल को इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। आज भी शहनाज गिल जब इस सारी घटना को और खास तौर पर शमशान घाट वाली घटना को याद करती है तो सिहर जाती है और बरबस ही उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकलती है। शहनाज ने खुद भी इस सारी घटना के बारे में अपने कई नज़दीकियों को बताया है।
एक बार तो शहनाज सिद्धार्थ के जाने के बाद लगभग डिप्रेशन में चली गई थी और उन्होंने कई महीनों के लिए खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया था। यहाँ तक कि दोस्तों कुछ महीनों तक तो वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं हुई, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को इस स्थिति से उबारा और सिद्धार्थ के सपनों को पूरा करने में जी जान से जुट गई। आज शहनाज की गिनती बड़ी बड़ी हीरोइनों कैटरीना, आलिया, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर के साथ होती है और शहनाज को यहाँ तक पहुँचाने में ऑफकोर्स माता रीटा शुक्ला और ब्रह्म कुमारीज का भी पूरा योगदान है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब शहनाज सिद्धार्थ के सदमे को भूलकर आगे बढ़ चुकी हैं या नहीं? और साथ ही ये अवश्य बताएं दोस्तों कि क्या शहनाज कभी सिद्धार्थ को भुला पाएंगी या नहीं? ज़रूर कमेंट करके अपनी जो विचार हैं प्रकट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है पेज को, तो ज़रूर कीजिएगा। रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब, फेसबुक पर देख रहे हैं इस वक्त ये वीडियो तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट खबर की जानकारी दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फिर मैंने कहा ओह माय गॉड, मैंने तो ब्रश ज़्यादा ज़ोर से कर लिया है, ये हुआ था मेरे साथ। और कहाँ हो आप? अच्छा, ये तो नहीं मैं बताऊंगी कहाँ हूँ मैं, अभी तुम लोगों को बता दिया ना, तुम लोग यहाँ भी पहुँच जाओगे नीचे, सब पता है मुझे तुम लोगों का, इसीलिए ना मैंने थोड़ा होटल भी छुपा के रखा हुआ है कि तुम्हारा क्या, तुम तो लाइक नेक्स्ट लेवल लगता है, मतलब मज़ा आता है। और एक रियलिटी शो करना, सिर्फ एक शो किया मैंने, कुछ और किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया मैंने, बस एक ही शो किया है। और उसके बाद इतना ज़्यादा प्यार मिलना, थैंक यू सो मच। हाँ मैं डिज़र्व करती हूँ, मुझे पता है, क्योंकि अगर हम किसी का बुरा नहीं करते तो हमारा कभी बुरा होता ही नहीं है, तो ये तो सच है। तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा बुरा क्यों होगा, है ना? इसीलिए थर्डी फीलिंग थर्डी। हाँ यार, वो हिट हो गया। मैंने वैसे डायलॉग नहीं बोला था, वो तो एक कहावत है, साडा कुत्ता कुत्ता, एक पंजाब में बोल देते कि साडा कुत्ता कुत्ता ताडा कुत्ता टॉमी, के मीन्स ये एक कहावत बनी हुई है। तो वो मैंने वहां बोला तो वो दूंगा, 3 महीने हो गया एको। अब अच्छी बात है ना, अब right. देख रहे हो right. मैं रोज आप दोनों को क्यूट मोमेंट देखती हूँ, हम मैं भी देखती होती कभी कभी, तो देखता है ये तो पक्का अपनी जर्नी देखता होगा। मुझे कहता है एक दिन फोन करके जर्नी कैसे देखती। एक साथ फिर से सॉन्ग करो आप लोग, ठीक है? आप बनाइए, हम लोग आते हैं, करते हैं, कोई अच्छा सा गाना ढूंढ के लाओ, मान लिया हम लोग करते हैं पक्का, डन। कोई ना वो गाना करना चाहिए अच्छा सा, पहाड़ के ऊपर खड़े होके क्या शूट करना चाहिए, समथिंग।